सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। और आप सभी के लिए ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए लाया गया है और आप सभी पिछले एक साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल जून को बहाली आई थी, 20 तारीख से इसकी आवेदन शुरू हुई थी और जून 2023 के बाद 2024 आ गया। अब इसकी एक जो नोटिस है वो मार्केट में रन कर रहा है बहुत ही तेज़ी से। आप सभी में उत्तेजना है जानने का कि क्या ये बहाली सच में आ गई है डेट एग्ज़ाम की या नहीं आई है। और कुछ अभ्यर्थियों को डाउट है NCLEWS को लेके, जो काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। सभी वीडियोस को जब मैं देखता हूँ तो NCLEWS का डाउट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा सभी डाउट आपके क्लियर कर सकूँ, क्योंकि आप सभी पटना आ नहीं सकते हैं, आप सभी वीडियो देखते हैं गाँव से, आप सभी YouTube चलाते हैं, उसमें वीडियो आती है और आपको संतुष्ट करता है वीडियो। काफ़ी हद तक आप घर पे तैयारी मन से कर पाते हैं। तो सबसे पहले साथियों, यह है मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना की और आप सभी वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना आपके लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले साथियों, जो इंतज़ार कर रहे थे आप एग्ज़ामिनेशन डेट की, वो डेट सच में आ गई है। यानी 7 अगस्त का जो डेट दिया गया है आपको, ये सही डेट है और इस डेट में एग्ज़ाम लेनी चाहिए आप सभी की। और इस डेट को आप लोग टारगेट बना के अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आप सभी तैयारी करते करते शिथिल हो गए हैं और हम लोगों को अभी भी तैयारी के साथ साथ ये आवाज़ उठाना होगा और हम सभी को एक साथ आना होगा कि एग्ज़ाम में धांधली आगे भी ना हो। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में धांधली नहीं होती है तो आपको पता है ना, बिहार कॉन्स्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ रहता है, उसमें अभ्यर्थी 55-60 नंबर में रिजल्ट लाएंगे अगर धांधली एग्ज़ाम में नहीं होगी तो, और महिलाओं का 40-45 मार्क्स में रिजल्ट होगा। तो हम सभी यही चाहते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से एग्ज़ाम हो और अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रही है, बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार रहा है और आप सभी के लिए रामबाण है बिहार पुलिस। अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आप अपने मेहनत के बल पे, अपने दम के बल पे नौकरी पा लेते हैं। तो आप सभी इसके इंतज़ार में लगे थे और अब ये आपके सामने है। साथियों, जो अभ्यर्थी डाउट में रह रहे हैं कि मैं NCL के लिए क्या करूँ, EWS के लिए क्या करूँ, किस तरीके से बहाली होगी, क्या मैं उसमें फिट पाया जाऊंगा या नहीं पाया जाऊंगा, डॉक्यूमेंट में बाहर तो नहीं किया जाएगा, तो इसके पहले जितनी भी बड़ी बहालियां हुई है, जैसे 8415 बिहार पुलिस, 11,880 सिपाही, जो भी बहालियां हुई, बीच में एक 689 बहाली हुई है, तो जो बहाली पहले हुई उसमें कोई रूल काम नहीं आते थे। यानी NCL बाद में बनवाओगे तो भी चलेगा और आप पहले बनाए हैं तो भी चलेगा। फिजिकल के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको NCL और EWS देना होता था, लेकिन 689 बहाली में क्या हुआ, चेयरमैन थे जो पिछले धांधली में, उनका नाम भी आया है, ठीक है, और वह चेयरमैन साहब ने एक रूल लाया अचानक से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों को छाटने लगे। उनका ये कहना था कि NCLEWS फॉर्म भरने से पहली तिथि का होना चाहिए और वित्तीय वर्ष उसी साल का होना चाहिए। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा बाहर हो गए, उसमें अभ्यर्थी जिनका मार्क्स था वो भी बाहर हुए और जो फिजिकल फिट थे अच्छे से, महिला पुरुष दोनों बाहर हो गए। अब कोर्ट केस किया गया है उसके लिए, क्योंकि प्री इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो प्री इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाद में इन्फॉर्मेशन देना ये सही नहीं है। अभी भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन 689 के बाद दिया गया, ठीक है, उस समय 21,391 की फॉर्म भरा चुका था, है ना, 18,00,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। अब 18,00,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, उनको पहले से सचेत नहीं किया गया है, तो ये अगर नियम आती है तो इसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग है आप सभी के बारे में बिल्कुल सोचेगी, और चेयरमैन बदल चुके हैं, अब इसमें रूल को ईजी किया जाएगा ताकि आप सभी अच्छे तरीके से फॉर्म को जो भरे हैं वो बहाली पूरा करें और आप नौकरी पा सकें। आपके पास अगर पहले का EWS है तो आप उसको रेडी रखें फाइल में, और NCL जिनका है उनको तो दिक्कत नहीं है क्योंकि फॉर्म 18 है, फॉर्म 18 के साथ अगर आप कोई भी NCL लगा के देते हैं
तो आपका मान्य होगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं, पहले का अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग गए हैं पता करने के लिए, वहाँ पे ये कहा गया है कि आप पहले का अगर ईडब्ल्यूएस बना है तो वो और अभी का ईडब्ल्यूएस को अटैच करके आप दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो पुराना आपके पास नहीं है, सिर्फ नया वाला ही है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल नया वाला बनवा लें, क्योंकि आपके पास मतलब इस डेट में हो ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। मतलब अब आप दौड़ उड़ के बाद बनाने का सोच रहे हो एग्जाम के बाद, तो और चक्कर में पड़ जाओगे, उतना आगे मत जाओ, अभी आप बना के रख लो, होना कुछ नहीं है बहाली में, एनसीएल ईडब्ल्यूएस लिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आज बिल्कुल लिया जाएगा। नहीं तो पता है अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा विरोध करेंगे, 80 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर, 82 नंबर फिजिकल में लाएंगे तो वो विरोध करेंगे ही ना अगर बाहर होंगे तो। साथियों आप सभी चिंता ना करें, सभी बहाली की प्रक्रिया पहले 8,415 सिपाही की तरह ही ली जाएगी बहाली को। आप सभी बस अपने अंदर क्षमता रखिए बहाल होने का, क्योंकि आप 21,391 के बाद बहाली नहीं देख पाएंगे, डेढ़ दो साल याद रखिएगा, डेढ़ दो साल बाद ही बिहार पुलिस की बहाली आएगी, और बहुत बड़ी बहाली है। हर घर से एक नौकरी होगी, जो घर में नौजवान लड़का है जवानी अपनी बेकार ना करे, जवानी जो पानी है आपका वो ग्राउंड में निकालें, क्योंकि आपको फायदा ग्राउंड से होगा। आप पढ़ाई में मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, लगातार लगाएं, एग्जाम से पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दें और एग्जाम के बाद आप दौड़ने पे ध्यान दें, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीना बच रहा है, 2 महीने में आप कैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे ये आप सोचिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए इसके लिए और पकड़ के चलिए, बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, आप सिपाही की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम सिपाही में नहीं लिया जाता है कि आप सभी नहीं निकाल पाएंगे। 20-25 सवाल ऐसे होते हैं जो हर कोई मारेगा, लेकिन 50-60 सवाल वही करेगा जो पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साथियों आप सभी अगर टारगेट कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके दिल में कुछ ना कुछ खुन्नस जरूर होगा, ठीक है ना। सरकार ने भी गलत किया है, इसकी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई, यूपी पुलिस की एग्ज़ाम कैंसिल हुई, झारखंड एसएससी कैंसिल हुआ, तो ये सभी धांधली की वजह से हुआ। अगर धांधली रुक जाए तो उन गरीबों को नौकरी मिलेगी जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, जिनके घर में लाखों लाख कर्ज हैं, बेटी की शादी नहीं हुई है। हमारे बिहार में मैं जिस परिवेश में पल रहा हूँ, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमें पता है हमारी परिस्थिति क्या है, हमें पता है कि हमारे घर में खाना कैसे बनता है, हमें यह भी पता है कि हमारे घर में शादियाँ कैसे होती हैं। हमारे घर में जब शादी होती है बेटी की और बारात जब आती है तो जब खाना खिलाया जाता है वो खाना भी 3 लोगों के सहयोग से खिलाया जाता है, इतनी गरीबी है हमारे बिहार में। तो उन गरीबों के लिए सोचना है, और याद रखिएगा कि भगवान देता है छप्पर फाड़ के, और जब लेता है ना तो दलालों को बता देता हूँ कि आपसे लेगा ना तो फिर आपको उठा भी नहीं जाएगा। इसलिए इस बार स्वच्छ बहाली होनी चाहिए, और पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार के युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इसमें सरकार का भी सहयोग हो, लड़कों को ग्राउंड बना के दिया जाए, लड़कों को दौड़ने के लिए गरीब बच्चों को जूता दिया जाए, पूरा हंसता खेलता बिहार हो, हरियाली बिहार में हो, और बिहार के युवा NSG ज्वाइन करें बिहार पुलिस निकालने के बाद, बिहार के युवा STF में जाएं, कमांडो बने और मेहनत करके नौकरी लें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हराम की नौकरी लेने से बढ़िया है कि आप लड़ के नौकरी लें। साथियों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गरीब बच्चों तक पहुँचाए, और ये मार्कोस टीम है, हमारे यहाँ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, बिहार पुलिस के लिए विशेष बैच भी हमारे यहाँ आएगी, आप सभी हमारे टीम से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।